अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ज़ाहरा। सो भाई, जिस तरह के मैंने आपको अपने रिसेंट व्लॉग में बताया था कि आज हम लोगों ने करवानी है अपने सब रिलेटिव्स की इफ्तारी। एमन नहीं उठना, देख उठ ही नहीं रही। मम्मा क्या? मम्मा भी कह रही है उठ जा बाहर में। क्यों जा, उठो। ये शावर मैं ले आई हूँ, पानी फेंकूंगी और फिर ये उठेगी। एमन यार, मम्मा बुला रही हैं। एमन यार एक मिनट तो देख, मेरी बात सुन, ब्लैंकेट नीचे कर, मेरी बात सुन एक दफा, बस एक मिनट मेरी बात सुन ले। देख कितनी रिंग्स पहन के सोई हुई है पागल। ये क्या बनी हुई है तू? तौबा। एमन एक दफा मेरी बात सुन, ब्लैंकेट नीचे कर जरा, बस बात सुन के ना ऊपर कर ले, बेशक ना उठे, बस एक दफा मेरी बात सुन ले। सुन तो सही, देख जरा कर क्या रही है। इसने नहीं भागा। उठी उठी उठी, एमन उठ गई। निंजा टेक्निक उठाने की। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा कि पहले रेडी हो जाते, उसके बाद बाकी के काम करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि मैं काम कर रही हूँ और भाई मेहमान आ जाए। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अब बाहर जाके देखते हैं क्या करना है। मम्मा की हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत, और फिर तब तक मेहमान भी आ जाएंगे। लेट्स गो। चलो भाई, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेहमान तो पहले ही आके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सुनाओ, कैसी हो? आप कब आई हैं? नहा रही थी जब हम आए हैं। अच्छा जी, दादो भी आई हुई हैं। क्या हाल है दादो जी? दादो कहती मैं मुंह बनावा, और ठीक है। आपको नहीं पता था मेहमानों ने आना, पहले नहा दो के तैयार होके बैठो। मैं पहले हुई हूँ, मैं अभी तैयार नहीं होती। मम्मा कहती आओ मेरे साथ हेल्प करो, मैंने कहा नहीं, पहले मैं रेडी होगी उसके बाद काम करेंगे। ये ना हो के मैं काम कर रही हूँ गंदी मंदी लकीर के फकीर में। तो आप लोग आ जाएं। तो सबसे जल्दी कौन आया है? जो सबसे दूर से आते हैं, वही मैं कह रही हूँ, जो सबसे दूर से आते हैं ना वो। डेढ़ बजे आप इंतजार कर, मैं आज घर से 12:30 बजे निकली हूँ और 1:30 बजे आपकी घर की। अच्छा जी, और जो हमारे घर के करीब रहते हैं, ये आस पास 2-3 गलियां छोड़ के, वो सबसे लेट आएंगे। आज घर के सारे कपड़े धो रही है। वैसे भी ईद आने वाली है, बहुत ही लगता पिया, पता नहीं क्यों दादा, क्यों लगता है? आप कह रही आज इफ्तारी में ज्यादा ही कुछ बनना है, पहले मैं कह दूं रोजा लग रहा है, ज्यादा खाएंगे। नहीं ज्यादा नहीं खाएंगे, आज एंड हो गया, मेरे वाला भी तो हो गया था। दादा वैसे भी अब ना गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी है। स्टार्टिंग के रोजे हमारे अच्छे गुजर रहे थे, अब गर्मी आ गई। पप्पू आपके रोजे कैसे गुजरे हैं? बहुत अच्छे सारे। अच्छा जी, कमा दिया कवल, आप ही का पता नहीं, फोन करके पूछे। अब मैं भी देखूं मम्मा के साथ क्या करवाना है क्या नहीं, वरना मम्मा ने मुझे बोला तूने कुछ नहीं किया। और ये रुबाब मैडम भी आई हुई है, ये चेक करो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? तुझे शर्म नहीं आती तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, उससे काम करवाई जा रही? तो तुम खुद कह रही हो, तुम्हें किसी ने कहा? उठ, अब हाथ नहीं लगाना, छोड़ नाइफ, छोड़, उठ ना, उठ, चल जा, उठ, तू बैठ उधर जाके, उठ। क्यों उठूं? नहीं तूने नहीं काम करना, अब तूने किसी काम का हाथ नहीं लगाना, चल बाहर निकल, खाना भी नहीं है तूने, बाहर निकल, तू खान आ जाएगी। आई जवाब दादो कह रही तेरी है इज्जत है, मैंने पता मेरी इज्जत की है, चल वो रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है। अच्छा हाँ, धो रही है, चल चल धो लिया ना, चल वापस, चल दरवाजा खुला हुआ है, चल चल। मेरी यही इज्जत रह गई तुम लोग यहाँ? हाँ हम लोगों के यहाँ आपकी यही इज्जत है। तुम लोग घर आके काम भी करो, फ्रूट भी खा, फ्रूट भी खा दो, उसके बाद फ्रूट खाऊं भी, खाऊं खाना नहीं, रोड भी काटो, तो तुम लोग ये करोगे? हाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे भी मैं तुम्हारे घर नहीं आई, मैं अपनी बड़ी मामा के घर आई हूँ। ओ माय गॉड, मेरे घर नहीं ना आई, बाद में फिर ना खुद ही कहेगी मुझे ना ज़्यादा तुमसे एक्सक्यूजेज हैं, तुमने मुझे बुलाया नहीं अपने घर, तो अब क्या
गया है। साइड पे हो जो, देख जरा वापस निकल। वैसे बाबा आपस की बात है, प्यारी लग रही है आज तो। माय गॉड, लोग यहाँ पे नहीं प्यारी लग रही, वहाँ पे प्यारी लग रही थी। यहाँ पे क्या है आज भाभी, यहाँ पे प्यारी लग रही है। अच्छा ये बाहर जाने का रास्ता इस वजह से, यार बाहर ही नहीं निकले बाप। आप अभी भी ना आती, आपको किसने कहा था आप आए इतनी लेट? मैं वो नहाई थी, फिर सारे तैयार हो रहे थे, फिर मैंने कहा सबके साथ जाऊंगी। ओ माय गॉड, ये देखो आपके लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर मामा कह रही है तुम पानी बनाओ, शरबत बनाओ, जो बनाना है। सो मैं ये बनाने लगी हूँ, अब आपको मिलते हैं ये शरबत बना के। यहाँ पर जी मैंने टैंक रेडी कर लिया, अब इसे बारी बारी हर जग में डालते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ और क्या क्या बन रहा है। सैंडविच भी रेडी हो चुके हैं। अरे ये क्या हुआ है, ये किसी बच्चे का काम है यकीनन। नहीं 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 नहीं, नहीं ये देखो ये देखो। अच्छा ये मुझे लगा ये कोई बच्चा आगे खा गया, चलो खैर कोई नहीं। चाची आप क्या बना रही है यहाँ पर? रंग बिरंगे किस्म के खाने बना रही हूँ। नाम भी होते हैं खानों के या नहीं? बहुत चाची कह रही है मुझे नहीं आ रहे। यहाँ भी तो झूठ पकड़ा गया। चाची लगता है आप नहीं बना रही, आपको खानों के नाम ही नहीं आते। नहीं नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते बताए फिर, ये है क्या? क्या बना रही हूँ? मैं बनाती हूँ, मैं बताती, मैं बना रही हूँ, मेरे से पूछो। अच्छा आप बताए, मैंने बनाए? वो कह रही मैंने बनाए, मैंने बनाए हैं। ताल हो रही है, बनाए मैंने। अच्छा फ्राई मैं कर रही, मैं बना नहीं, मैं फ्राई कर। ओके हो गया, बनाए हैं क्रिस्पी फ्राई चिकन। ठीक हो गया, बने हैं चिकन के समोसे, ये सारी चीजें मैंने की। लड़ाई हो गई है, मैंने फ्राई की है, मैंने फ्राई की है। ये समोसे बना लिए, ये भी विंग्स हैं, ये समोसे, ये कचौड़ियाँ, ये भी, ये सब आपने बनाई है? सब मैंने बनाए, देख लो मेरी स्पीटे। अच्छा जी, वैसे मेरी मम्मा कल क्या कर रही थी? मम्मा बाजारों में चक्कर लगा। अच्छा और मैं देख लो ये डंडा क्यों पकड़ लिया मुझे मारने? तुम्हें मारना इसलिए कि फूफू आई है यहाँ पे इफ्तारी के लिए और आप लोगों ने मुझे काम पे लगा। नहीं नहीं फूफू आप जाके बैठे, हम खुद फ्राई कर लेंगे। आपकी मेहरबानी, आप खुद जाके बैठे, आप इफ्तारी कर ले। मैं बैठी हुई थी तब से। हाँ बैठी हुई थी। ये देखिए चाची बना रही है ना, बना रही आप जाए बैठे आप जाए, आपने कहा व्लॉग ऑन हो गया, जल्दी जल्दी आ जाती हूँ। तो अभी बेटा सो के उठ चुकी है, ये देख लो हमें तारी पे बुला के खुद सोई है। मैं सो के आराम कर लूँ थोड़ा सा, इनको काम पे लगा के सो के आई है, ऐसी है। मतलब कि फूफा ने ये सब कुछ बनाया और चाची ने मिलके मम्मा सोई थी। चलो अभी आपको दिखाते हैं अब क्या क्या बना है। ये तो मैंने बनाए हैं लेकिन इन्होंने नाम ले लेना, क्योंकि इन्होंने कहना हमने फ्राई किए हैं। है चाची और क्या, मैंने फ्राई किए, मेरी मेहनत काम होता है, मायने रखता है। रे बेटा देखो मेरा पसीना है, मेरे को बनाया है लेकिन हमने फ्राई तो हमने। जी जी बहुत काम किया है, थैंक यू थैंक यू, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। सारी मेहनत ही आग के पास है। हां जी फ्राई करना, अब चाची चीज बॉल फ्राई करने लगी है और वो विंग्स हो रहे हैं फ्राई। ये देखिए गाइस ये क्या है, ये आप लोगों ने जो कचौरी बनाई थी ना वो अंदर से पार्ट गई है। पार्ट गई इसको आप फ्राई ना करें, इसको क्या करूं? आप इसका कोई जुगाड़ कर लें। इसका जुगाड़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो इसका मुंह इतना खुला हुआ है, पूरी की पूरी पार्ट जो गई है। जितनी भी फ्राई करने वाली चीजें थी सब रेडी हो चुकी हैं। ये है जी समोसे, कचौड़ियाँ, ये विंग्स, ये भी समोसे विंग्स कचौड़ियाँ, ये बहुत ही मजे के यार, क्या कमाल कहना। ये है चीज बॉल्स, साथ में ये भी मम्मा ने बनाए हैं, इनका मुझे नाम नहीं आता लेकिन यार ये बहुत मजे के हैं। और ये सैंडविचेस और ये कटलेट्स, ये भी फ्राई हो रहे हैं, बाकी ये कुछ हो गए। सो ये सारा सामान मम्मा ने बना लिया, बाकी फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट, दही भल्ले, ये सब चीजें हैं फ्रिज में ताकि ठंडी हो जाए, बिकॉज ठंडी हो ये चीजें तब भी मजा आता है। और अब बाहर सब चीजें जब लगती हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ। रोजा खुलने में एक दो मिनट रह गया और सारा सामान यहाँ पे लग चुका है और रुबाब अब बस इंतजार कर रही है कब रोजा खुले। है रुबाब, रुबाब आज कितना रोजा लगा तुम्हें? कह रही है मैं बता नहीं सकती है रुबाब। और वो सारे यहाँ पे बैठ गए हैं, अब बस जी इफ्तारी करते हैं। भाई रोजा खुल चुका है अपना, रोजा इफ्तारी, ये लो इफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर लिया और ये सारा बर्तन जमा हो गया। ये अब चाची धो रही है, पहले फ्राई भी चाची कर रही थी अब धो भी चाची रही है। नहीं है ना, इसके बाद भी मैंने इफ्तारी पे आना, बुला लो मुझे जितना मर्जी, तुम लोग तो मुझसे काम ही करवाई जा रहे हो। तो मैंने तो इस बार अगली
घर आना नहीं है, मैंने खुद बुलाना है। अच्छा चाची कहती मैं खुद बुलाऊंगी, बदला लूंगी। मैंने काम किया ना आगे, तुम लोग भी आगे करना। इसे हैप्पी वाला लूंगी। हाँ चाची ने लगता पूरा खानदान ही बुला लेना। बुलाऊंगी तो सारे ये मिलके करेंगे ना, सारा काम इस दिन से करवाना। सही हो गया। सारी ये देखिए सारे चाची ने धोने और ये धो लिए हैं। ज्यादती हो गई है चाची पे। हाँ दुरेमान क्या कह रहे थे, मैं फूफो से नहीं डरता। नहीं डरते बेटा, अब क्या हुआ, नहीं डरते। नहीं डरते तो मुझसे क्या? नहीं डरता कह रहे, नहीं डरता। पहले कहते से डरता हूँ। बोल बोल तो दिया। बोल ना दोबारा, बोल जल्दी बोल। ऊंचा बोल, सबके सामने बोल, 10 मरतबा बोल। 10 मरतबा चुप कर रे, तू चुप कर, तू ना बोल ज्यादा, चल बोल। लड़ाई चल रही है? नहीं तुमसे। हल्का हल्का कहता मुझे ना बड़ा भाई माना करो, हालांकि है नहीं तो कोई मसला नहीं, छोटे भाई बड़े होते हैं। तो फिर ईद की बारी क्या होता है? मैंने कहा ईद की चलो चलो, तुम मेरे बड़े भाई हो, जप्पी डालो जप्पी डालो। चलो 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 चलो, ईद आने वाली है, पहले ईद का इंतजाम करें, बाद में देखेंगे बड़ा या छोटा। अभी तो ये आपके सामने ही बस बोल दी गई। नहीं नहीं बाद में भी। अब मैं किस तरह इसको बुलाऊं घर में? भाई अब्दुल मान भाई कह के बुलाऊंगी, ठीक है, तब मान जाओगे? क्या बोलूं तो तुम्हें लगे कि तुम बड़े हो? बताओ उसे शर्म आ रही है। चलो कैमरा बोलो, अब शर्म आ रही है? ये शर्म नहीं आ रही, इसे कह रहा है मैंने ईद नहीं देनी। पता नहीं किसके लिए ईदियां संभाल के रखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ईद किसको देनी है तुमने फिर? तो फिर अपनी बहनों को दो ना। जब ईद आएगी तब दे। हाँ दे देंगे, अभी कह रहे हो तब तुमने भी ईद नहीं देनी। किसके लिए ईद रखी हुई? किसी की भी तो छोड़ ना, कोई ऐसी हरकत हुई ना मैं गोली मार दूंगी तेनु। अब कोई हरकत मोबाइल के कह रहे हो मोबाइल चेक होने लगा। क्या करना है? किधर है? मैं लेके आती हूँ। किधर है? किधर है? मैं लेके आऊंगा। रोने क्यों लग गए अब्दुल रहमान? रोने क्यों लग गए? वो दे आंखें चेक कर। मोबाइल किधर है तुम्हारा? चलो चलो अब्दुल रहमान फंस गया, अब्दुल रहमान फंस गया। चल चल चल, कह रहा पता नहीं, अब अब्दुल रहमान पता नहीं दिखाए। नहीं ये वाला नहीं है, क्या था ये ही है, झूठा झूठा। नहीं ये भी नहीं है। मैं देखती हूँ यहाँ पे कहाँ पे बता ना, किस कमरे से कभी कह रहे कमरे में। चल चल चल, आए आए आए, अब तो मुझे पकड़ा गया। चल चल चल, किधर है यार? यहाँ पे तो बर्तन भरे हुए हैं जो कि धोए कमरे में। ये झूठ मार रहे पप्पा। अब्दुल रहमान ने मैं छितर मारा है, तुम पता है ना कितने साल बड़ी हूँ तुमसे? 11 साल बड़ी हूँ। कितने साल बड़ी हूँ? चल चल बता बता, पड़ा गया पकड़ा गया, किधर है बता ना, यहाँ पे कहाँ पे नजर नहीं आ रहा? यहाँ पे मेरा, इसकी जेब में चेक करो किधर है। अब्दुल रहमान बता दे शराफत से। मोबाइल ढूंढो अब इसका, आज तो पता लगा के नहीं। फूफो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता इसको अपने मोबाइल का ना पता हो, नामुमकिन है ये। क्या पूछ ले तुम बताओ, शाबाश हो, देखो अब्दुल रहमान का चेहरा चेक करो, हो क्या क्या है? रोने वाला हो गया, रो रहे रो रहे। भाई ये मेरे ख्याल से किसी से बात करता है। किससे बात करता है भाई तू? सीने से बात करो यार। अब्दुल रहमान फंस गया। किस लड़की से बात कर रहा है? अब्दुल रहमान कौन सी लड़की से अब्दुल रहमान बात करता है बता ना। मोहम्मद देखिए कितना सीरियस हो गया, देख रहा है इसको पापा जी, ये ना किसी लड़की से बात करते हैं।
भाई पापा ने इसे मार देना है किस्म का अगर पता लग गया। वैसे इसका मोबाइल है कि मोबाइल मिल गया ओए तू इस लड़की नहीं खुश रहा बता किधर मोबाइल तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन अब तेरे बार किसको बना रहे हो तुम लड़की हो क्या क्या था हाँ मैं लड़की हूँ बल्ले बल्ले अब तो पकड़ा गया अब्दुलरहमान डैडी आई है तो साथ ही यार क्यों एक्सपोज करने पे लगे हो छोड़ो यार नहीं नहीं मुझे आ यार तू मेरा नंबर दे वो देखो रोने वाला हो गया ओ नहीं मैं नहीं रोता वो कह रहा जब पैंटी भरेगी ना फिर रोऊंगा है अब्दुलरहमान कह रहा पर मैं तो कर सकता हूँ ना है अब्दुलरहमान अब्दुलरहमान दिखाओ मजाक कर रहे ना छेड़ो तुम करी जा अच्छा मेरी ईद का क्या बना अब ईद जब आएगी तो दे दूंगा हाँ अब देनी भी है नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं नहीं कर रहे मजाक हो गया मजाक पापा सीरियस ले गया अलग मजाक था मजाक कर रहे लेकिन ये रोने वाला हो गया था तानवा लगता है शक्ल ने किसी ने अब्दुलरहमान ये हमारा ब्लैक डायमंड ये ब्लैक डायमंड है नामाश है ना कोई तो रोने लग गया है मजाक कर रही थी अब्दुलरहमान होने लग गया ओ अब्दुलरहमान होने लग गया अब्दुलरहमान की गर्लफ्रेंड पकड़ी गई चुप कर लड़की के लिए कौन होता है आगे और खेले जा रहे असल में रो पता क्यों रहा है ये मैसेज करता वो रिप्लाई नहीं कितना बड़ा इसलिए उसको रोना आ गया लगता है जुल्कर नैन भाई के साथ नंबर में जुल्कर नैन भाई के साथ ये सब कुछ हुआ हुआ इसी वजह से बता रहे हैं बस करो कहता पता 400 लड़कियों को मैसेज किया फिर इतना रिप्लाई आया दिन में कोई 1000 लड़की इनको क्या पता कितनी मेहनत से मैंने एक नंबर लिया वो भी तुम लोग देख रहे हो कौन सा चल चुप चुप अब्दुलरहमान चल चुप कर जा मजाक आ रहे थे बस 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 चुप चुप टेंशन नहीं लेनी और 2-4 आ जाएंगे पागल हो गए पापा मुझे देख रही है ये देखो अब कुछ भी नहीं हुआ ओए तुझे इसकी कस के जप्पी डालनी थी अब्दुलरहमान ये क्या हो रहा है परेशान है अब्दुलरहमान समझ रहे ये वही लड़की है पापा अब्दुलरहमान पापा आपको क्या हुआ आपको क्या हुआ वो कह रहे ये हुआ क्या मेरे भाई को परेशान है चल अब रोना नहीं है अब नहीं रोना अब्दुलरहमान तूने मैं क्यों माफी मांगू अब्दुलरहमान तू जा रहा है
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ वैसे बता रहा क्यों रहा था एक्टिंग कर रहा मैं एक्टिंग कर रहा था पूछ रहा मुझे क्या हो गया था अच्छा एक्टिंग करता ताकि ये लोग सब मुझे छोड़ दे और मुझ पे इल्जाम न लगे बहुत तेज हो रहे हो आई होप सो यू लाइक दैट व्लॉग मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे टेक केयर अल्लाह हाफिज़